Hi everyone, my name is Manisha. Welcome back to my channel. Hope you guys are doing great. तो आप सबको पता होगा कि फादर्स डे आने वाला है एंड इट्स ऑन 28 June, दैट मीन्स अपकमिंग संडे. तो मैं अपने पापा के लिए कुछ गिफ्ट प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये गिफ्टिंग आइडियाज़ आप लोग के साथ शेयर किया जाए. तो ये जो गिफ्टिंग आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बजट फ्रेंडली हैं, तो आपको अपने बजट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड, इसमें मैंने कुछ अपना पर्सनल टच डाला है एंड ऐसी चीज़ें गिफ्ट की हैं जो पापा मेरे यूज़ कर सकें. एंड मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसी चीज़ें गिफ्ट करो जो वो यूज़ कर सके, बिकॉज पापा लोग इज़ लाइक वो हमेशा हम बच्चों के लिए ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो खुद के लिए कुछ नहीं करते हैं. तो मैं तो यही कहूँगी उन्हें कुछ ऐसा गिफ्ट करो जो उनके लिए यूज़फुल हो. सो मैंने 2-3 गिफ्टिंग आइडियाज़ सोचे हैं एंड उन्हें बनाने जा रही हूँ. सो लेट्स सी कि क्या होता है एंड मेरे गिफ्ट्स कैसे बनते हैं. एंड वन मोर थिंग, ये जो गिफ्टिंग आइडियाज़ हैं, ये ज़रूरी नहीं कि अपने पापा को ये सारी चीज़ें गिफ्ट कर सकते हो. ये गिफ्टिंग आइडियाज़ आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो. ये बहुत ही कॉमन गिफ्टिंग आइडियाज़ हैं, किसी को भी दे सकते हो जो गिफ्टिंग DIYs हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. इस DIY के लिए आपको एक कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लेना है. बहुत बड़ा बॉक्स नहीं लेना है, जितना मैंने दिखाया है ऑलमोस्ट उतना ही, उससे थोड़ा बहुत बड़ा छोटा हो सकता है. और इसे एक रैपिंग पेपर से आप रैप कर दीजिए, रैपिंग लाइक मैंने अभी ब्राउन से रैप किया है. ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा पेपर, कौन से कलर का पेपर अवेलेबल है, बिकॉज ज़रूरी नहीं सबके पास ब्राउन हो. तो ये आपके क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है. तो अब मैं इस बॉक्स को पूरा प्रॉपरली रैप करूंगी. बॉक्स को कवर करने के बाद मैंने कुछ कलर पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और उसको एक बलून लूँगी और उसमें भर दूँगी. और मैं इसमें एक पेन डाल रही हूँ, लाइक जब ये पापा बलून को फोड़े तो उसमें से एक पेन निकले, तो मैं इसमें एक पेन डालूँगी. आप देख सकते हो बलून के अंदर आपको पेन दिख रहा होगा. उसके बाद मैं बलून उतने ही साइज़ का फुलाऊंगी जितना वो बॉक्स में आ सके एंड उसके बाद मैं इसे फिर से पैक कर दूंगी. और ये हमारा गिफ्टिंग बॉक्स रेडी है. आप चाहो तो इस पे कुछ लिख भी सकते हो. और सेकेंड DIY के लिए मैंने एक स्टोन ले लिया है. ये मेरे घर के पास बालू पड़ा हुआ था तो मैंने वहाँ से मंगवाया था एंड उसको मैं एक कलर से पेंट कर दूंगी. मैंने ये येलो कलर से पेंट किया. आप सोचोगे मैं सब कुछ येलो क्यों दे रही हूँ, बिकॉज़ मेरे पापा को येलो कलर अच्छा लगता है एंड हम इसका पेपर वेट बनाएंगे.
ड्राई हो जाए उसके बाद आप एक पेंसिल से कुछ भी जो लिखना चाहते हो वो लिख दीजिए एंड परमानेंट मार्कर से उसको बहुत डार्क एंड रब कर दीजिए, परमानेंट मार्कर से वो रब नहीं होगा एंड ये आपका पेपर वेट रेडी हो जाएगा। तो थर्ड DIY के लिए पहले मैंने एक कंटेनर ले लिया, आप किसी भी टाइप का कंटेनर ले सकते हो एंड इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट डाल दिया, मैंने केवल काजू डाला है बिकॉज मेरे पापा को काजू बहुत अच्छा लगता है। कंटेनर को डेकोरेट कर लीजिए एंड एक साइड में रख दीजिए एंड अभी मैं बाद में बताऊंगी इसका आपको क्या करना है। नेक्स्ट मैंने ये टी शर्ट मंगाई थी अपने पापा के लिए, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उन्हें क्या देना चाहते हो, लाइक आप कुछ भी दे सकते हो, तो उसे ऐसे रैप कर लीजिए एंड ये मैंने टी शर्ट को बहुत प्रॉपरली रैप कर लिया ताकि उन्हें पता ना चले कि इसमें क्या है। एंड देन ये एक डलिया ले लीजिए, ये सब्जी वाली डलिया होती है, मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है। डेकोरेशन की वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, वैसे ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह डेकोरेट करते हैं और आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मेरे पास ये कपड़ा और ये सब चीज़ें थीं तो मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है। अगर आपके पास डलिया नहीं है तो आप एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में भी ये सारी चीज़ें पैक करके दे सकते हो एंड मैं इसमें ये चारों चीज़ें रख दूँगी एंड इसे बहुत प्रॉपरली रैप कर दूँगी और हमारा ये प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर तैयार हो गया। आई एम श्योर मेरे पापा को तो ये बहुत पसंद आने वाला है बिकॉज ही लव्स काजू एंड ही लव्स स्नैक्स, तो आई थिंक पापा को बहुत पसंद आने वाला है। ये सारे गिफ्टिंग आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे, सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट कि आपको इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सा गिफ्टिंग आइडियाज़ आप इस फादर्स डे पे क्रिएट कर रहे हो या कभी भी क्रिएट कर रहे हो, तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट, आई विल लव टू नो। दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज लाइफ विथ मनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।